वेलकम गाइस, एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं हूँ अपने खेतों की तरफ। हमारे बुंदेलखंड में किला ने हारा बोलत, जैसे ही कोई मतलब हमारा जब खेतों की तरफ पास है तो हमारे बुंदेलखंड ने बोलत हैं कि हारा जा रहा है। अभी देख सकते हैं कि ये गेहूं का फसल है और गेहूं का बस यहाँ इसका जो थ्रेसिंग है वो होने ही वाला है, तो हार्वेस्टर चलने वाला है बस, क्योंकि थोड़ा सा अभी और ये गीला है तो इसमें थोड़ी सी भी अगर नमी रहती है तो बाद में इसकी थ्रेसिंग होने के बाद में समस्या जाती है। तो अभी इसको पूर्ण तरीके से सुखाए देंगे, उसके बाद में इसको इसकी थ्रेसिंग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ एकदम पूरा गेहूं ही गेहूं है, आपको जहाँ तक बहुत लंबा दिख रहा होगा गेहूं ही गेहूं है, तो यहाँ पीछे भी गेहूं है पूरा जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारा का सारा अपना ही गेहूं है। और हालांकि पीछे यहाँ पर गर्मियों की जो उड़द की फसल है वो भी उसकी बोनी भी हो चुकी है। और अभी सीधा एकदम देख सकते हैं कि गेहूं ही गेहूं है। और यहाँ अपना मेन मोटर वगैरह का अड्डा है और आज थोड़ा मौसम एकदम डामाडोल सा लग रहा है, तो इस तरीके से है। देख सकते हैं पीछे बादल भी बहुत सारे हैं, पीछे सारा गेहूं है। ये यहाँ पर अमरूद भी, हमारे बुंदेलखंडी में इसको भी बोलते हैं, भी का पेड़ भी है। यहाँ पर कुआं है, कुआं, और यहाँ पर मोटर भी डली हुई है कुआं के अंदर। और भाई मौसम देख सकते हो काफ़ी एकदम ख़तरनाक मौसम है। और अभी यार देखो गर्मियों की फसल में प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जान निकल जाती है एक प्रकार से, बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो भाई धूप को तो सहना पड़ता है, उसके बाद में कड़ी मेहनत के बाद में, यार देखो मेहनत तो हर चीज़ में, चाहे कोई किसानी करे, चाहे कोई ड्यूटी पर जाए, चाहे कोई नौकरी करे, कहीं पर भी कुछ भी करे, सब जगह मेहनत तो है ही, लेकिन इसमें थोड़ी हार्ड वर्किंग है, थोड़ा फिज़िकली मेहनत ज़्यादा रहती है, क्योंकि धूप में काम करना पड़ता है, धूप में जो शिफ्ट बदलनी पड़ती है, तो ये थोड़ा रहता है। बाकी बहुत बढ़िया माहौल है आज तो, अच्छा मौसम भी है, प्लस हमारे गेहूँ लगे हुए हैं, प्लस अभी इसको एक सेकेंड आपको हम हैं ये देख सकते हो गेहूँ का हालत अभी कुछ इस तरीके से है। गेहूँ भाई देखो आ तो गया है गेहूँ, मतलब कम्प्लीटली इसकी थ्रेसिंग के लिए रेडी है, लेकिन अभी कुछ कुछ इसके जो बालें हैं, इसको ये जो इतना आपको दिख रहा है इसको बाल बोलते हैं, तो अभी कुछ हरापन है, तो अभी इस कारण से इसको क्लियर नहीं करवा रहे हैं। क्लियर तभी करवाएंगे जब यहाँ पर इसकी कम्प्लीटली सूख जाएगा, तो अभी तो यहाँ पर कम्प्लीटली इसकी जो सूखा नहीं है, तो इस कारण से अभी ये नहीं होगा। तो भाई अभी तो यार मतलब माहौल वो काफ़ी गजब है, देख सकते हैं पीछे अमरूद का पेड़ कितना प्यारा लग रहा है। और एकदम बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है यार, थोड़ा सोचा कि एकदम व्लॉग बनाया जाए, तो काफ़ी प्यारा माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो और कुछ कहने को है नहीं, आप कुछ कमेंट में बताओ, गांव का कुछ देखना चाहते हो, गांव के बारे में कुछ जानकारी, कुछ भी आप देखना चाहते हो, फसलों के बारे में, कुएं के बारे में, गांव के एरिए के बारे में, जो भी प्रश्न हो आपका आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर अपने गांव की पूरी प्रतिक्रियाएँ आपको दिखाएँगे, क्या कैसे कुछ होता है, सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, बाकी ऊपर वाला मेहरबान, तो सब ठीक है। तो गुड बाय, थैंक यू, हम किसी और ब्लॉग में बहुत जल्द मिलने वाले हैं।